जब भी आपको किसी प्रोफेशनल से या किसी बिजनेस से ईमेल आता है तो आपने जनरली देखा होगा कि ईमेल के नीचे काफी सारी उनकी डिटेल्स लिखी होती है जो कि बाय डिफॉल्ट हर मेल में होती है, उसको ईमेल सिग्नेचर बोलते हैं। तो एक प्रोफेशनल ईमेल सिग्नेचर कैसे बनाते हैं, इसके कई सारे टेम्पलेट्स होते हैं एंड कैसे वो आपको मिलेंगे सारे एंड कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब चीजें अप्लाई कर सकते हैं अपने साथ भी, तो इस वीडियो में मैं यही आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक बने रहना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम है, आप देख रहे हैं वेबसाइट थिंग्स, जहाँ पे वेबसाइट से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस चीज को अच्छे से समझने के लिए। ऑलराइट, सो हम आ चुके हैं इस समय गूगल रिजल्ट पे एंड हमने सर्च किया था ईमेल सिग्नेचर। अब आपको कई सारे जनरेटर्स यहाँ पर मिल जाएंगे ईमेल सिग्नेचर के लिए, बट जो मैं सिंपली आपको मेरे को कंफर्टेबल लगता है, काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, सो वो है mailsignatures.com। यहाँ पर आपको सिंपली इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको ना डिटेल्स डालनी है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको किस प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जीमेल के लिए चाहिए, आउटलुक के लिए चाहिए, किसी के लिए भी चाहिए आपको यहाँ पे। मैं सपोज जीमेल के लिए जाता हूँ। सेकंड स्टेप जो है वो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा कि आपको कौन सा टेम्पलेट चाहिए। जैसे कि आपको टेम्पलेट्स के कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो आपको किस टाइप का चाहिए वो आप सिंपली यहाँ पर अपने हिसाब से देख लें। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मेरे को जो टेम्पलेट चाहिए वो हो करीब इस टाइप का, जिसमें मेरी एक बड़ी सी फ़ोटो हो एंड मेरे बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हो। अब यहाँ पर क्या करना है, तीसरा स्टेप मतलब टेम्पलेट चूज़ करने के बाद यहाँ पर तीसरा स्टेप आता है, अपनी पर्सनल डिटेल्स और ये जितनी भी डिटेल्स है ये सारी फिल करी जाए। जो भी आपका नाम है, फर्स्ट एंड लास्ट नेम आप अपना डाल सकते हैं, आपका जो भी जॉब टाइटल है वो यहाँ पर आप डालेंगे, जो आपका ईमेल एड्रेस है वो यहाँ आपका डालना है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, किसी को भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं फिल करना चाहते तो उसको अगर आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो यहाँ पर वो चीज़ ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी, बट आप चाहे तो इसको फिल कर सकते हैं, वाई नॉट, जब आपको ऑप्शन मिल रहा है तो क्यों नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर अपना माई कंपनी की जगह अपना कंपनी का नाम डालना है, कंपनी की वेबसाइट डालनी है, एड्रेस 1 एंड 2, बेसिकली एड्रेस एंड सिटी स्ट्रीट ये सब चीज़ें आपको डालनी है, एंड ग्राफिक्स जो बेसिकली आप बैनर URL में यूज़ करना चाहते हो वो, और बैनर लिंकिंग टू, जब बैनर पर क्लिक करेंगे तो वो कहाँ जाएगा वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। URL में बेसिकली आप गूगल ड्राइव या वन ड्राइव या किसी क्लाउड में आप डाल के यहाँ पर उसका उस फोटो का URL यहाँ पर आप डाल सकते हैं, तो ये ऐड हो जाएगी इमेज यहाँ पर। ये रिक्वायरमेंट्स इसकी मिनिमम वेथ इतनी होनी चाहिए, एंड डिस्क्लेमर टेक्स्ट में अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हो जो कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है सो आप यहाँ से वो एडिट कर सकते हैं। स्टाइल में अगर आप कलर कोडिंग चेंज करना चाहते हो, अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग रखना चाहते हो कलर कोडिंग, सो वो आप कलर कोडिंग यहाँ से देख सकते हो, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप कलर कोड डायरेक्ट डाल के इसको सेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया लिंक्स आप अपने कई सारे डाल सकते हैं, जो जहाँ जहाँ पर है आपका, जैसे कि मान लो पिंटरेस्ट पे नहीं है तो इसको हम सिंपली हटा देंगे, तो यहाँ से वो हट गया, राइट। सो यहाँ पर हम पिंटरेस्ट को रहने देंगे एंड उसके बाद ये सब करके अप्लाई कर देना है अपने सिग्नेचर पे। ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कैसे करना है, मैं आपको एक जीमेल पे करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो सिग्नेचर को यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर कॉपी हो चुका है, एंड उसके बाद जाएंगे अपनी जीमेल आईडी पे। एंड जीमेल आईडी पे आने के बाद आपको इसकी सेटिंग्स में जाना है सिंपली, एंड सी ऑल सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सी ऑल सेटिंग्स पर जाएंगे यहाँ पर आपको नीचे कहीं सिग्नेचर का ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा ओके सिग्नेचर, यहाँ पर दिख गया। इसको आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर नेम मान लो मैं अभी डेमो टेस्ट कर रहा हूँ, demo 1 यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा मैं, एंड यहाँ पर जो आपने कॉपी किया था वहाँ पे पीछे पेज पे, तो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना सिंपली, एंड यहाँ पर ये पेस्ट हो चुका है। एंड पेस्ट करने के बाद आपको अगला स्टेप करना क्या है कि जो भी ईमेल नई हम बनाएंगे, न्यू ईमेल क्रिएट करेंगे, तो ये वाला जो ईमेल है, जो सिग्नेचर है, ये आप यूज़ करेंगे, एंड फॉरवर्ड के टाइम पे भी ये वाला यूज़ करेंगे, एंड इसके बाद नीचे आके इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ये रीडायरेक्ट कर देगा आपके होम पेज पे, एंड यहाँ पर आपको कंपोज पे जाना है। एंड जैसे ही आप जाएंगे तो देखेंगे आपका जो सिग्नेचर है वो ऑलरेडी यहाँ पर हाइफ़न के बाद यहाँ पर आ चुका है। आप अपना कोई भी ईमेल टाइप करेंगे एंड सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला काम बिल्कुल, ये चीज़ बिल्कुल वर्क करने वाली है। एंड यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो रेकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपको फ्री में अपनी बिजनेस ईमेल आईडी चाहिए, अप टू 50 ईमेल आईडीज आपको फ्री मिलती है जब आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हैं, तो वो कैसे मिलेगी आपको और कैसे मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें सेटअप करने का प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा।
आई बटन में मैं इस वीडियो को डाल दूंगा। इसके अलावा फिर भी आपको कोई डाउट इक्वायरी रहती है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मुझे सिंपली इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके डाउट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो ही बना दूं अगर वो सॉल्व नहीं हो सकता वैसे तो। आई होप आपको समझ आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया कि कैसे आप अपना ईमेल सिग्नेचर बना सकते हैं, कैसे उसको सेटअप कर सकते हैं अपने जीमेल आउटलुक या फिर कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं उस पे। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसी वेबसाइट रिलेटेड वीडियोज आपको रेगुलरली चाहिए तो। एंड अगर आप अपने आपको अपडेटेड रखना चाहते हैं, टाइम टू टाइम नई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो स्किल शेयर आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि स्किल शेयर में ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में अनलिमिटेड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर वहां से करेंगे तो आपको 1 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।